तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेक्स रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन वीडियो है प्रभास की मूवी कल की 2898 एडी की तरफ से, अश्वत्थामा इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा, मतलब अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, मतलब इस एक मिनट में। तो देखते हैं गाइस, मतलब इसमें बड़े बड़े एक्टर्स हैं, प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमला हसन एंड दीपिका पादुकोण की मूवी कल की, जो कि बहुत ही हाइप्ड है। तो लेट्स एंजॉय द रिएक्शन गाइस, देखते हैं पहले कैसा है बोल के एक मिनट का। तो उसके बाद में बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन के मतलब रोल को कैसे जस्टिफाई किया है डायरेक्टर नाग अश्विन ने। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन गाइस। अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। हाय हाय। अच्छा बच्चा, आई एम राया। नी पेरेंट ही तेलुगु में बोल, ये तो ये भाषालो మాట్లాడాలి। जनरेशन गैप पर से लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। सेमया फाइट करनेंगे निमन्ना रेडर्स शूट मारे दो। अरे नु चनी पोलेवा तमिल कन्नड़ा इधर टेंपल आनो। बाय एनी चांस तुम भगवान हो? वाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही तगड़ा है गाइस। मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। असल एवर नुवु द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। बहुत ही मस्त दिख रहा है गाइस अमिताभ बच्चन का। हे अश्वा अंकल, वेट फॉर मी। अश्वा अंकल, वेट फॉर मी। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। चाला चाला बागुंदी टीजर, अंटे इंट्रोडक्शन ऑफ अश्वत्थामा कैरेक्टर इन कल्कि मूवी। तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस, बहुत ही अच्छा लुक दिया है अमिताभ बच्चन को, जिस तरह से मतलब बहुत ही युगों युगों से हिंदू माइथोलॉजी स्टोरी में है ना, बहुत ही अच्छा मतलब हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी को लेके बहुत ही अच्छा मॉडर्न तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैरेक्टर्स बहुत तगड़े हैं, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बहुत ही तगड़ा है, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, अश्वत्थामा जो कि इमॉर्टल हैं और विष्णु अवतार के दशावतारों में से एक अवतार गिना जाता है, जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइस। तो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई तो किया है वन मिनट में, बहुत ही अच्छा लगा। और देखते हैं गाइस, मूवी का हाइप भी बहुत ज़्यादा है और एक्टर्स भी बहुत तगड़े हैं। और प्रभासा के कल्कि एंड कमला हसन एज ए नेगेटिव रोल, जो कि खली का रोल प्ले करने वाले हैं। तो लेट्स देखते हैं गाइस, होप ये मूवी बहुत अच्छी जाए और अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को और भी ऊपर लेके जाए। तो नाग अश्विन डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है कि मूवी ज़्यादा मतलब अच्छी होगी या बुरी होगी। तो लेट्स देखते हैं, बहुत ही मज़ा आया इसमें तो, और भी अपडेट्स का हम रिएक्शन करेंगे और वेट करेंगे कि कैसा है क्या है बोल के। तो आई थरोली एन्जॉयड द वीडियो, होप यू गाइज ऑल्सो एन्जॉयड। तो जो मुझे कहना था मैंने कह दिया गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।